और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 दिसंबर को नगर निगम में चुनाव होने वाले हैं, 7 दिसंबर को दिल्ली में काउंटिंग होगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है थोड़ी देर पहले। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तारीखों का ऐलान किया। तो और आपको यह भी बता दें कि 4 दिसंबर को वोट पड़ेंगे, 7 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, 7 नवंबर को नोटिफिकेशन आएगा चुनाव आयोग का। यानी कि आपको ये आज जैसा ही ऐलान हुआ, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, आदर्श चुनाव संहिता लागू कर दी गई आज से ही। और आपको बता दें कि 250 वार्ड चुनाव के लिए अब तैयार हैं और इसमें 70 विधानसभा आते हैं। भास्कर मिश्रा हमारे साथ संवाददाता इस पर जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। भास्कर, चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप थे, क्या जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है? देखिए, मई से जिसका इंतजार कर रहा था वो डेट का अनाउंसमेंट हो गया है। 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव होगा और 7 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे। इसके साथ साथ नॉमिनेशन की बात करें तो 7 तारीख से, 7 नवंबर से 14 नवंबर तक नॉमिनेशन का डेट है और 16 नवंबर को स्क्रूटनी होगी। कुल मिला के 1,46,00,000 से अधिक मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस चुनाव में उपयोग करेंगे। इस बार जो चुनाव हो रहा है वो पिछले निगम चुनाव से बिल्कुल अलग है। वो इसलिए कि पिछली बार 272 वार्ड के लिए चुनाव हुआ था और इस बार नए परिसीमन के बाद तीनों एमसीडी को एक साथ करने के बाद अब सिर्फ 250 सीट के लिए चुनाव होगा, जिसमें से 42 सीट रिजर्व रखा गया है एससी के लिए और 50% सीट, चाहे वो एससी के लिए रिजर्व सीट हो या अनरिजर्व सीट हो, दोनों में से 50% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो कुल 250 जो है उसमें से आप ये मान के चलिए 125 जो है वो महिला पार्षद होंगे दिल्ली में। और इस बार 3 की जगह सिर्फ एक एमसीडी होगा और दिल्ली में अब एक मेयर होंगे। तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित के द्वारा एमसीडी को 3 भागों में बांट दिया गया था, जिसको फिर से एकीकृत कर दिया गया। तीन भाग में बांटने के बाद सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही थी कि एमसीडी के पास बिल्कुल। भास्कर, बहुत दिलचस्प होगा ये चुनाव, क्योंकि एक तरफ गुजरात में भी चुनाव है, उसके बाद दिल्ली में भी चुनाव है और आम आदमी पार्टी इसमें राजनीति का आरोप लगा रही है, क्या इसका एंगल, ये भी दर्शकों को बताएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।